तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि किस तरह सी प्लस प्लस की हम आज अपनी फर्स्ट क्लास करेंगे इसके अंदर, और डेव सी प्लस प्लस के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सी प्लस प्लस के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला प्रोग्राम तो हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखते हैं और बाद में आउटपुट कैसे ले रहे होते हैं। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेंगे, इसमें हम कीबोर्ड माउस सब यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से न्यू ले लें। उसके बाद इसको हैश के थ्रू लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दें आईओ स्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल ऐड कराएंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, इंटीजर मेन फंक्शन लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर करेंगे, बॉडी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, रिटर्न जीरो करेंगे यहाँ पे, और सिस्टम पास कमांड लगाएंगे, गेट सी एच का काम करेगी ये कमांड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे, उसकी वैल्यू पास करके यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमने लिख दिया पहला प्रोग्राम स्ट्रक्चर अपना, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, और हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लॉलेस क्लास 01 इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख दिया। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम पे दिखाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, सी में हम यूज़ करते थे प्रिंट एफ, इसमें हम यूज़ करेंगे सी आउट फंक्शन। तो सी आउट लिखेंगे, लेस देन लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, सिंगल कोट्स लगा देंगे आगे। दिस इज़ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर के फंक्शन सेंटेक्स सी आउट के किस तरह से लिखा जाता है, ये इसका सेंटेक्स है। सबसे पहले सी आउट लिखना है, यहाँ पर लेस देन लगाने, डबल कोट्स लगाने, अब सेव कर दें कंट्रोल एस करके। इस डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज टू भी आप यहाँ लिख रहे हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से हमारे पास एग्जीक्यूट के अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन है कंपाइल का, जिसपे कोड कंपाइल होगा। अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ बताएगा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेमी कोलन हटा दिया और यहाँ पे जाके इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई इसमें देखो क्या कह रहा है, इंटीजर मैन सेमी कोलन एक्सपेक्टेड बिफोर सिस्टम, तो यहाँ पर एक सेमी कोलन रिक्वायर्ड है। तो इसको कंपाइल करेंगे, ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम डॉट पाउस है, तो इसके अंदर अगर हमने सी आउट की स्पेलिंग गलत लिख दी तो ये क्या कोड देगा, कंपाइल कह रहा है कि इंटीजर मैन एरर सी ओ यू वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब सी यू जो है कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे सी आउट लिख देंगे। फिर यहाँ पे कंपाइल करेंगे कोड को और यहाँ से उसको हम एरर निकाल लेंगे। जब एरर निकल गया तो उसको रन करने का तरीका आसान है, रन करेंगे ये एप्लीकेशन मोड आपके सामने ही रन हो रही है एप्लीकेशन, जिसमें लिखा रहा है वेलकम टू माय प्रोग्राम बायोटेट एप्लीकेशन, ओहो क्या आ रहा है। दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं इसको प्रोग्राम को, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, कंपाइल हो जाए, ओके, इसमें कोई एरर आ गया शायद, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, डेवलपमेंट को भी क्लोज कर देते हैं, सही तरह क्लोज है, दोबारा खोलते हैं। कभी कभार ये प्रोग्राम एरर करता है इस तरीके से कि वो पिछली फाइल का डेटा इस पर दिखाना शुरू कर देता है, हालांकि वो एक दूसरी फाइल बनी हुई है जिसका ये डेटा आपको दिखा रहा है। अच्छा, एक और बटन भी कंपाइल्ड एंड रन, इसको रीबिल्ड ऑल करते हैं, और रीबिल्ड ऑल करके मैं दोबारा देखता हूँ, कंपाइल एंड रन करते हैं प्रोग्राम को, तो एक ही बटन कंपाइल भी करेगा रन भी करेगा, नहीं मान रहा है इसके साथ, ठीक है। तो बहरहाल अब ये दिखा रहा है अगले स्टेटमेंट, हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट लेस देन, यहाँ पे न्यू लाइन लेने के लिए एंड एल लगा देते हैं, इससे एक न्यू लाइन का इजाफा होगा, जैसे फॉरवर्ड स्लैश एन लगाते थे इसमें एंड एल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रन करते हैं प्रोग्राम को, तो फिर देखते हैं यहाँ पर, हालांकि मैं जो लिख रहा हूँ वो ये नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, एक और न्यू फाइल लेते हैं यहाँ पे, उसको कंट्रोल वी करता हूँ, सेव करता हूँ, एफ एल 01 के नाम से एक फाइल सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक न्यू लाइन पे एक कोड ये लिखना होता है। अच्छा, इस तरह अगर आपको सी आउट करके लेस देन करके कोई नंबर दिखाना है, जैसे 20,000 एक नंबर है तो ये दिखाना है, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे बगैर डबल कोट्स के, तो ये डायरेक्ट 20,000 इसके आगे दिखा देगा। प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू को नेक्स्ट लाइन पे दिखाना है तो उसके आगे फिर लिखना है सी आउट लेस देन एंडल, तो यहाँ पे आपको ये फिर अगली लाइन पे वो दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह नंबर दिखा सकते हैं। अगर डेट दिखानी है तो सी आउट करेंगे, लेस देन करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे 15 मार्च, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लिख दिया 2024, तो यहाँ पे लिख के हमने कंपाइल किया कोड को। अब मैं जो कंपाइल और रन करने के लिए बटन यूज़ कर रहा हूँ वो F11 है, जो कंपाइल भी कर रहा है साथ साथ और क्या कर रहा है, रन भी कर रहा है कोड। तो ये देखिए आपको दिखा रहा है 15 मार्च 2024। अब एंडल क्योंकि उसके ऊपर चला गया तो यहाँ पे सी आउट लेस देन एंड लाइन ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ग्रामर चीज़ ये सीखनी है कि अगर एक ही लाइन में 3-4 काम लेने हो तो कैसे लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बायोडाटा के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ऐप बनाएं, तो सी आउट लेस देन एंडल, तो बायोडाटा के लिए हमने कहा सी आउट लेस देन। अब दो दफ़ा एंड लाइन लिखना है लेकिन एक ही लाइन के अंदर, तो दोबारा लेस देन लगाएं, एंड लाइन कर दें उसको यहाँ पे, ये दो लाइन का गैप आ जाएगा।
सी आउट लेस देन, यहाँ पे लिखा मैंने बायो डेटा, और यहाँ पर मुझे नई लाइन देनी है, तो लेस देन एंड लाइन, फिर लेस देन डबल कोट्स, और फिर यहाँ पे जाके डबल कोट्स के अंदर ये स्टैरिक लगा दिया, फिर यहाँ पे लेस देन एंड लाइन, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये देखिए इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, F11 दबा दें, यहाँ पर इस तरह से नीचे आ जाएगा ये आपका कोड, एक लाइन में सारा कोड इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सी आउट में लिखा आपने जाके लेस देन, यहाँ पे आपने लिखा फुल नेम, सपोज टू बी फुल नेम, लिखने के बाद आगे आपने दिया कॉलन, कॉलन के बाद आपने लिखा सपोज टू बी अरसलान अली, तो यहाँ पे लिखा आपने लाइन भी देनी है नहीं, तो यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, फिर आपने यहाँ पे देना लेस देन, फिर एंड एल यहाँ पे लगाया, दो कमांड ऐसे एक्सिक्यूट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन भी आ जाएगा और ये इस तरह से काम हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करना भी आसान है इसके अंदर, बहुत आसान है, सेलेक्ट कर लिया कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जाके एंटर किया, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, फिर इस तरीके से आप इसके अंदर डिफरेंट कोड्स डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम ले लिया आपने, फिर यहाँ पे आपने ले लिया सपोज टू बी सर नेम, यहाँ पे ले लिया आपने फादर्स नेम के बाद सपोज टू बी क्या नाम है अब्बू का, ताया अब्बू का नहीं पूछ रहा मैं, फादर नेम के फरजंद लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, और सर नेम में क्या लिख दूँ, मीरा, मीरा लिख दिया, ठीक है, तो सेव करेंगे, तो ये देखिए बहुत आसान है इसके अंदर, MIR आ गया, ठीक है, सही, ये लीजिए, सही। तो इस तरह से आप बायोडेटा की एफ बी से बना सकते हैं, सपोज टू बी एज एंटर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या सी आउट लेस देन, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट और दोनों चीज़ें आएंगी, तो ये हमने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, और उसके आगे नंबर लिखना है, तो यहाँ पे डाल के हमने लिख दिया, सही। अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। अब अगर आगे कोई इसकी और भी लिखना है, मिसाल के अपने डिटेल लिखनी है, अब यहाँ पे जैसे फीस की डिटेल लिखनी है, क्योंकि वो अमाउंट वैल्यूज होंगी, तो वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे सपोज टू बी हो गया ना सी आउट लेस देन, और यहाँ पे हमने लिखा सपोज डेजिग्नेशन, यहाँ पे लिख दिया, सी आउट लेस देन यहाँ पे देखिए इसको रन करेंगे, तो ये इस तरीके से सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग का आउटपुट बना सकते हैं। तो आपने भी यही करना है कि एक अपना बायोडेटा बना लेना इसके ऊपर और इस तरह की ऐप बना लेना। इसमें अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को रन करते जा रहे हैं, आप इसको बंद भी करेंगे, तो जहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव किया है वहाँ जाके देखेंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल खुद ही बना देगा सोर्स फाइल के अलावा। तो यहाँ पर आ गए C++ में, और यहाँ पे देखिए ये हमारी सोर्स फाइल है जो हमेशा C++ में खुलेगी, और ये एप्लीकेशन जो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर डायरेक्टली डबल क्लिक करने पे रन हो जाएगी, और ये सोर्स फाइल, ठीक है, समझ में आ रही बात की।